कविता थी, काव्य की भाषा थी, तो उसी मेरा नाम है नीतू शर्मा और एक चैनल है मेरा जो पहले से है नीतू देसी लाइफस्टाइल का खान लगा एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी को मैं गुड न्यूज़ देना चाहती हूं, और गुड न्यूज़ ये है कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर ली हूं और देखिए मुझे यहां पे सम्मानित किया जा रहा है। मुझे सोशल मीडिया प्रभारी के रूप में यहां पे चुना गया है बीजेपी की तरफ से, और क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर वर्क करती हूँ ये कुछ लोगों को पता था जो लोग पहले से ज्वाइन थी उसमें, तो इसीलिए मुझे भी उन्होंने ज्वाइन करवाया है। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं भी समाज के लिए कुछ कार्य करूँ और समाज को अपने आगे बढ़ाऊं। आसपास के जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी कुछ मैं मतलब हेल्प का काम करूं, जैसे उनको वोटर कार्ड बनवाना हो या आधार कार्ड बनवाना हो समय मैं उनकी मदद करूं। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं आती हैं, कई बार क्या होता है कि आम पब्लिक के पास वो योजनाएँ नहीं पहुँच पाती, उनको जानकारियाँ नहीं मिल पाती है, तो सब जानकारी मैं दे सकूं अपने जो भी आस पड़ोस के लोग हैं, जो भी आसपास के लोग हैं, सभी के लिए कुछ मैं अपना योगदान दे सकूं, समाज के लिए योगदान दे सकूं। क्योंकि घर में खाओ पियो पड़े रहो ऐसे तो सभी लोग करते हैं, पर कुछ तो अपना समय निकालना चाहिए समाज के लिए। और हमारे मोदी जी जब से आए हैं, पीएम बने हैं, हमारा इंडिया, हमारा भारत बहुत तरक्की किया है। जो लोग भी मेरे आसपास से हो और बीजेपी के सपोर्टर हो, मोदी जी को पसंद करते हो, तो हमसे संपर्क ज़रूर कीजिएगा। बीजेपी में अगर आपको सदस्यता लेनी हो ज़रूर मैं ज्वाइन करवाऊंगी आप लोगों को। और एक चीज़ मैं बहुत गर्व के साथ बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि हम लोग वो लकी जनरेशन हैं जो श्री राम मंदिर बनते हुए देखा है। इस बात को आप लोग में से कितने लोग मानते हैं ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोग श्री राम जी की भक्ति करते हैं, प्रभु श्री राम की, तो एक बार कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम लोग एकदम ऐतिहासिक, मतलब ये चीज़ हमारे साथ हो रहा है कि हम लोग ऐतिहासिक जनरेशन हैं जो श्री राम मंदिर बनते हुए देखा है हम लोगों ने। और अपने आने वाले पीढ़ी को हम बता सकते हैं कि हाँ, हमने श्री राम मंदिर बनते हुए देखा है। तो किसकी वजह से देखा है? बीजेपी की वजह से ही देखा है हम लोगों ने। तो आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे आसपास के लोग मुझे देखते हैं, बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। किसी को भी किसी तरह का वोटर कार्ड बनवाना हो, किसी तरह का भी हो हेल्प की ज़रूरत, तो भी मुझे ज़रूर बताएं। और आगे चलिए, अब सारा प्रोग्राम आप देखते रहिए। मतलब एक कल अटल बिहारी जी के जन्म दिवस के मौके पर बहुत सारे यहाँ पे कार्यक्रम हुए हैं, जैसे कविताएं पढ़ी गई हैं अटल बिहारी जी की, और कलश यात्रा निकला है, तो सब आप देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं आप देखें। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय मोर्चा में हार्दिक स्वागत है। आपने अभी रविवार को पद ग्रहण किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? और आप बहुत अच्छा लगा है। मैं चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी में आऊँ और लोगों को मैं मदद करूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा जरिया है। मतलब पद ग्रहण करने के बाद आपको ज़्यादा और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अच्छी तरह से निभाना चाहूँगी और लोगों तक मैं पहुँचना चाहूँगी इसके थ्रू। और मुझे ऐसा लगता है जब आपके पास एक अथॉरिटी आती है तब आप बहुत दिल से काम करते हो, ठीक है। पद होता है लेकिन दिल में होना चाहिए, जो मैं मुझे बहुत सभी लोग पुष्प अर्पण करके हाथ जोड़ के नमन करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी को। वाजपेयी जी अमर रहे, वाजपेयी जी अमर रहे।
उसी में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चिर व्यथा पलकों पर फिटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। दो पल भी नहीं जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जो फल जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा खुद से क्यों डरूं। इन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, ये उनकी गाड़ी को धक्का मारते थे पीछे। क्या हार में क्या जीत में चिंतित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगी जो वो कुछ पर हार नहीं मानूंगी। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। ये कार्यकर्ता ही आपको मोदी जी को बोलते हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ। यही चीज लेकर आप लोगों को भी आगे बढ़ना पड़ी होती। हाँ, हमारे साथ में नहीं है लेकिन हमारे स्मृतियों में हमेशा अटल जी रहेंगे। हम लोगों को प्रेरणा के तौर पर उन्होंने ये प्रेरित किया कि हिंदुत्व और हिंदुत्व को लेकर चलना ये हमारा धर्म है। हिंदुत्व उनका सबसे बड़ा था, जैसे वो बोलते थे कि उनके हिंदुत्व में पूरी दुनिया समा, उनका पर्सनल हिंदुत्व बहुत विशाल है और उनके पर्सनल हिंदुत्व में पूरी दुनिया समा सकती है। और पूरे चाहे कोई भी हो, वो हर किसी को अपनाते थे, वो हर किसी के साथ में चलते थे। और इसी को हम लोगों को साथ में रखना है, इसी चीज़ को दिमाग में रख के इसी सोच को लेकर इसी सोच से ही आगे बढ़ते रहना है। ना किसी को छोटा देखना, ना किसी को बड़ा देखना। जैसे हम हैं वैसे ही आप हैं, जैसे मैं हूँ वैसे ही आप हैं, जैसे मैं कार्यकर्ता हूँ वैसे आप भी कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे तो शायद अटल जी के नेतृत्व में हम लोग काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जो भी छोटा मोटा आप कार्य करते हैं, ग्रुप बनाए, उस ग्रुप पे डालिए, ये उसको अपने यहाँ एडिट करके उसको प्रॉपर डालेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है उसको कुछ करना है तो मैसेज पे डाल दीजिए। हाँ जो ग्रुप बना, हाँ लिख बोले। मेरा नाम है, सभी को पहले जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम है नीतू शर्मा और एक चैनल है मेरा जो पहले से है, नीतू देसी लाइफस्टाइल, और दूसरा अभी मैं ये जो चैनल बनाई हूँ। तो मेरा एक कहना है कि शुरुआत पहले अपनों से होती है, अपने घर से होती है। वैसे ही जो भी हम लोग हैं यहाँ पे, सभी लोग अपने चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे तभी दूसरे लोग भी करेंगे। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा अभी क्या बात है। अभी मैं तो राजनीति के कीचड़ में भी बेदाग रहकर सफल हो जाना है, राजनीति के कीचड़ में भी बेदाग रहकर सफल हो जाना है। कहीं कहां किसी के लिए मुमकिन है दूसरा अटल हो जाना है। जय श्री राम। जुए की लत है हर पंचायत में पांचाली अपमानित है, बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है। कोई राजा बने रंग को तो रोना है। और अक्षत का कार्यक्रम भी हम सभी ने आज सफल किया, सभी लोगों का विशिष्ट योगदान रहा इसके अंदर। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यक्रम था वो भी काफ़ी सफल रहा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आज हम सब मिले, इसी प्रकार अगर मिलते रहेंगे तो हम सभी के बीच में एक कंफर्टेबल जोन का निर्माण होगा। हम सभी के साथ सहजता से एक दूसरे से मिल पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे और मिलेंगे, तभी जाके हमारे संगठन की मजबूती होगी। तो थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कंफर्ट